तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज से फिर से एक बार स्पॉट काउंसलिंग हो रहा है, जो कि आज का डेट है 6 जनवरी 2022। आज से लेकर आप लोग 14 जनवरी 2022 तक स्पॉट काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, जो कि आपका जितना भी रैंक हो, आप लोग अगर पहले भी एडमिशन हो गए कोई भी नियरेस्ट ITI में, फिर आपका टेट चेंज करना चाहते हैं, आपका कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो भी जो है आप लोग अटेंड कर सकते हैं इस काउंसलिंग में। तो ये काउंसलिंग में आपका टेट चेंज करने के लिए 12 जनवरी तक टाइम है, और साथ ही साथ 13 जनवरी तक टाइम है टेट और ITI कॉलेज चेंज करने के लिए। और नया कैंडिडेट अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए एडमिशन के लिए, तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है। जाने के बाद नया पेज आ जाएगा ऐसे एक, जहाँ पर आपका टोटल फॉर्म फिलअप करके सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको आप स्कैन करके अपलोड करना है। करने के बाद 200 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और 24 आवर्स का अंदर ऑनलाइन में आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आपका रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे जाना है। जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड शो हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो है रैंक कार्ड मिल जाएगा। उस रैंक कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको स्पॉट काउंसलिंग में लेके जाना है, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है आपका नियरेस्ट ITI में जाके इस साल जो कि है आप लोग डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं अपने मनपसंद टेट में। और ITI कॉलेज में जाने के पहले आप लोगों का आपका जो है सीट अवेलेबिलिटी चेक करना है। तो स्पॉट काउंसलिंग में जो भी सीट है उसका यहाँ पे जो है मेंशन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जाने से पहले इसको आपको चेक करना है कि आज के डेट में कौन सा ITI में कौन सा टेप में कितना सीट है। उसको देखने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन कर लेना है और उसको देख लेना है कि भाई मैं जिस ITI में जा रहा हूँ वहाँ पे जो टेप में लेना चाहता हूँ उस टेप में आपका जो है वैकेंसी है कि नहीं। तो ऐसे करके जो आपका चेक कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में जितना भी ITI है सारा ITI पे है, PTP मॉडल और गवर्नमेंट ITI भी यहाँ पे शामिल है। तो आप जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए जो भी ITI में आप जाना चाहते हैं उस ITI में आपका जो टेट आप लेना चाहते हैं वो टेट है कि नहीं। तो ऐसे करके बहुत ही आसानी से जो है आप लोग देख के जाने से आपका जो है एडमिशन का चांसेस वही टेट में वही ITI में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करके तो आप लोग आपका टेट चेंज कर सकते हैं, आपका टेट चेक करके आप लोग जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो अभी तक ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म भी नहीं फिलअप किए, तो वो ऐसे आके आसानी से फॉर्म भी फिलअप करके, ये जो स्पॉट काउंसलिंग चल रहा है 14 जनवरी 2022 तक चलेगा, उसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सुबह सुबह वीडियो था सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी मेरा व्यूअर्स है या फिर मेरा सब्सक्राइबर है, अभी जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए देख रहे हैं, तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या फिर आपको हेल्पफुल कंटेंट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड डेली बेसिस वीडियो का अपडेट मिल जाता है। तो सुबह सुबह अपडेट था ताकि आप लोग आज जा सके और आपका मनपसंद टेट में एडमिशन ले सके। तो और भी कोई इंक्वायरी हो तो कुछ भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सबको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करते हूँ दोस्तों, आज 6 जनवरी 2022, तो आज से लेके यानी कि 6 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 तक स्पॉट काउंसलिंग मॉपअप राउंड फिर से होगा सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि सैटरडे और संडे कॉलेज बंद रहता है, और उसके साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है उसमें भी कॉलेज बंद रहता है। तो 2021-22 सेशन में अभी भी जो एडमिशन चल रहा है स्पॉट काउंसलिंग, तो 2022-23 सेशन का जो नया तरीके से एडमिशन होगा वो मार्च अप्रैल तक जो ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप शुरू हो गया, लेकिन अभी तक 2021-22 सेशन का ही जो एडमिशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो एक के बाद एक जो है काउंसलिंग चल रहा है, तो ये लेके 15 नंबर काउंसलिंग हो रहा है अलॉटमेंट। तो आप लोग इसमें जा सकते हैं और आपको मनपसंद टेट में जो है पार्टिसिपेट करके आप लोग एडमिशन हो सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिशन हो गए वो अपना टेट चेंज कर सकता है। 13 जनवरी 2022 तक आपका टेट आप लोग चेंज कर सकते हैं, और 12 जनवरी 2022 तक आप लोग जो है नए कैंडिडेट जो भी अभी तक फॉर्म भी नहीं फिलअप किए एडमिशन के लिए, तो न्यू फॉर्म यानी कि फ्रेश कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करके फिर से आप लोग जो है एडमिशन का मौका आप लोगों को फिर से एक बार मिल रहा है। तो जाने से पहले एक बार सीट मैट्रिक जरूर चेक कर ले जो कौन सा ITI में कितना सीट है, ताकि आपका एडमिशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो ये वीडियो में सुबह सुबह एक अपडेट था, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नया दो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्पफुल कंटेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का डेली बेसिस अपडेट मिल जाता है। तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहो, देखते रहो हमारे यूट्यूब चैनल ITI गाइड, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल ITI गाइड। जय हिंद दोस्तों।